न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पीलीभीत में बेहद दूज पर तमाम ऐसी बहनें भी रही जिनके भाई जिला कारागार में निरुद्ध है और इन बहनों को अपने भाइयों को तिलक लगाने और मिठाई खिलाने के लिए जेल तक जाना पड़ा। और वहीं भैया दूज पर सैकड़ों बहनें पीलीभीत जेल पहुंचकर भैया दूज की रस्म निभाई है और इस दौरान जिला कारागार के बाहर सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई और जेल में भाई बहनों की मुलाकात कराने का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। और जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए बहनों को पहले पर्ची बनवानी पड़ी और इस कारण ही पर्ची काउंटर पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। जिन बहनों की पर्ची बन जाती वे जेल के बाहर लाइन में खड़ी हो जाती और जेल के अंदर अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जेल प्रशासन ने सुरक्षा के जो लिहाज से महिलाओं को समूह में अंदर दाखिल किया है। जलालाबाद क्षेत्र के एक गांव में ही बेटे ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है और मामले को लेकर गांव में सनसनी मच गई है। और बताया जा रहा है कि पूरा विवाद जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने और परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुट गई है। थाना जलालाबाद की पुलिस को सूचना मिली कि धैरिया गांव में बसीर नाम के व्यक्ति ने ट्यूबवेल पर बैठे चारपाई पर अपने पिता शरीफ खां को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी मृत्यु कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर के अनुसार बसीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त बसीर की तलाश रवाना कर दी गई है। अमेठी में स्थानांतरित सीओ मुसाफिर खाना को आखिर क्यों रिवील नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते महीने 19 सितंबर को ही उनका मुरादाबाद के लिए स्थानांतरण हुआ था और करीब एक डेढ़ महीने बाद मुसाफिर खाना में ही सीओ अर्पित कपूर डटे रहे, उनका स्थानांतरण किया गया। बता दें आपको कि 8 दिन बाद भी कुर्सी पर डटे हैं और सीओ अर्पित कपूर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शासन के आदेश को ना मानना क्या आखिर क्या दर्शाता है, सीओ के सामने एडीजी प्रशासन साबित हो रहे हैं बोने। यूपी के पीलीभीत जनपद में अपनी मां के साथ जेल में अपने पिता से मिलाने आए एक युवक पर जेल के बाहर तैनात सिपाही ने डंडे से पूरी तरह वार कर दिया जिससे उसका सर फट गया और सर से खून आने लगा। आनन फानन में सिपाहियों ने ही जिला अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई। ये मामला संज्ञान में आया था जिसकी सूचना पर मैं आया हूँ, तो यहाँ के देखा गया कि हरजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह ये पूरनपुर का रहने वाला है और शराब के नशे में था और आके सिपाही से ये भिड़ गया जिसके पूरा हाथ पाई गई। गोरखपुर में बर्तन व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है जिसके बाद से ही क्षेत्र में तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है और घटना स्थल पर कई थानों की फोर्स के साथ ही पीएससी भी तैनात की गई है। व्यापारी की हत्या के बाद क्षेत्र में पूरी तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है। कई थानों की फोर्स के साथ ही पीएएससी बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम दाह संस्कार नहीं करेंगे और पोस्टमार्टम के लिए शव को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर है जहां पर स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। पुलिस बल भी भारी बल
तैनात किया गया है। आपको बता दें कि व्यापारी की हत्या के बाद ही क्षेत्र में पूरी तरीके से ही तनाव का माहौल और कई थानों की फोर्स के साथ ही पीएसी बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को मेडिकल कॉलेज भी लाया गया, लेकिन स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण नजर आ रही है। डांगी पार गांव में कल शाम को एक व्यक्ति विक्की वर्मा जो कि शराब की दुकान के बाहर खड़ा था उसके साथ चार पांच अन्य अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई एवं कुछ जगह पे चाकू लगने से उसकी उसको हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। बस्ती जिले के छावनी थाना के राम जानकी मार्ग से 22 मुकदमों में ही फरार चल रहे मुख्यात हिस्ट्री शीटर देवमणि सिंह और उर्फ हुकम सिंह और उसके एक अन्य साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और एक अवैध पिस्टल और एक अवैध तमंचा आधा दर्जन कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए कुख्यात हिस्ट्री शीटर हुकम सिंह के ऊपर जनपद समेत कई अन्य जिलों में ही 22 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि असले के दम पर ही गवाहों को डरा धमका कर मुकदमों में सुलह करने के दबाव बना रहे थे और पुलिस द्वारा ही अरेस्ट दूसरे अभियुक्त विनय पांडे पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। ये लूट फिरौती समेत कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और कई बार ही गुंडा एक्ट में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर बस्ती जिले के ही दुबोलिया थाना क्षेत्र के दरिया योगा गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दुबोलिया थाना में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी और सीओ शेषमणि उपाध्याय ने बताया है कि पकड़े गए शातिर अपराधी बहुत ही हीनियस क्राइम करते थे और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। तो हुकुम सिंह पर ही 22 मुकदमे जिनमें से 6 मुकदमे लखनऊ के कई थानों में दर्ज हैं और दूसरे के खिलाफ ही 4 मुकदमे दर्ज हैं जिनको पकड़ कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष छावनी दुर्गेश पांडे और उनकी टीम जो कि लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील थी उसी दौरान थाना क्षेत्र छावनी के राम रेखा पुलिया के पास से 2 अपराधी पकड़े गए हैं जिसमें एक का नाम देवमणि सिंह और हुकुम सिंह पुत्र ईश्वरनाथ सिंह निवासी दरियौना थाना दुबोलिया और दूसरा अपराधी है विनय पांडे पुत्र हरिश्चंद पांडे निवासी देवखर थाना छावनी का। ये दोनों बहुत ही हीनियस क्राइम करने वाले अपराधी हैं। संबल से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तमाम लोगों की भीड़ को भड़काऊ भाषण देकर उकसाने का काम कर रहा है और इस मामले में ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। तमाम लोगों के बीच ही ये शख्स एक वर्ग विशेष के लोगों में धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम कर रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा भी जो है दर्ज कर लिया है। तो आपको संभल से खबर बता रहे हैं जहां पर वीडियो जो है एक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना रजपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हरप्रसाद सन ऑफ भाग सिंह निवासी भीकमपुर थाना रजपुरा द्वारा वीडियो के माध्यम से धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए एक वीडियो वायरल कर दी गई है। इस सूचना पर शीघ्र ही थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं साक्ष्य करते हुए इस प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
लक्सर के बाला वाले गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हुई है और मृतक की पहचान विवेक कुमार उम्र 32 साल निवासी सहारनपुर के रूप में हुई है। और वही गंभीर रूप से घायल प्रिंस निवासी बिजनौर और संदीप शर्मा निवासी धामपुर को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।